सर तो ऑनलाइन पंजाबी टीवी दी रिपोर्टर लॉकडाउन जिदन शुरू होया पहले दिन तो ही असी जड़ी लोगों की राशन की मदद करनी शुरू करती। सब तो पहले जिहड़ा पहले 100 किट आई सी सानू वो परसनल डॉक्टर राजकुमार वेरका जी जिहड़े साडे कैबिनेट मंत्री है सब तो पहले उन्होंने अपनी पॉकेट चो 100 किट भेजी सी मैनू जिहड़ी असी शुरुआत की। उस तो बाद 200 किट असी जिहड़ी अपने कोलो परसनल जिहड़ी सी लोगों नू दित्ती दशमेश नगर है 100 किट असी उत्थे दे के आए सी। 100 असी गुरु नानकपुरे च दित्ती। उस तो ऐन मौके ते बाद डॉक्टर साहब डॉक्टर राजकुमार वेरका जी ने जड़ा कैप्टन सरकार वालों राशन आना शुरू होया सी किटा आनिया शुरू हुई उन्होंने फिर उस तो बाद कंटिन्यू किटा भेजनिया शुरू करतिया। लिस्ट बकायदा देखो सिस्टमैटिकली सारा काम चल रहा सी साडा हुण तक भी चल रहा जिन्हें भी जिन्हों के नीले कार्ड नहीं है उन्हों की बकायदा लिस्ट बनती है उन्होंने नाम लिखे जाते आधार कार्ड नंबर मोबाइल नंबर उन्होंने एड्रैस और जो उन्होंने राशन दिता जाता उस लिस्ट पर साइन होंगे है। एक लिस्ट डीसी ऑफिस जाती है एक लिस्ट साढ़े को रही है और कोई भी बंदा ऐसा जड़ा नहीं कह सकता कि जी मेरे नाम का समान आया या इधर चले गया उधर ये बिल्कुल नहीं। जिस टाइम असी राशन वंडदे आ पटवारी साहबान उत्थे खड़े हुंदे आ तहसीलदार साहब खड़े हुंदे आ और कारपोरेशन दे विधावन साहब आ साडे ओह वी आंदे आ ओह वी खड़े मौजूद रहिंदे आ। बड़ा सिस्टम नाल कोई धक्का मुक्की नहीं कोई लुटमार नहीं कोई कुछ नहीं। और उस तो बाद नैक्सट फिर असी हर एरिए चो जिहड़े भी साडे बंदे ने जिहड़े भी साडे अहुदेदार बंदे है उन्हों की ड्यूटी लाई जाती है कि हर घर च जाओ जो गरीब बंदा वह नाम लिखो वह आधार कार्ड नंबर इधर देखो इधर देखो कमलेश जी तुम की मुश्किल आ रही है इलाका गुरु नानकपुरा नंबर वार्ड अच्छा की मुश्किल आ रही है बहुत हेल्प की अच्छा हेल्प की राशन भी दिता सब कुछ दिता हम इतो सू कणक भी दबारे दाल दुबारे सू गरीबा मदद की घर घर जाके इना वायरस फैलिया घर बह सकते घर बह सकते बीमारी सोलह ने अपने फिर तुले फिर फिर अपने कोलो राशन दिंदे आ माड़े बंदे दी हेल्प करदे आ साडे गुरु नानकपुरे च कोई एहो जिहा नहीं कि जिन्हां दी इन्ने इन्हां ने हेल्प नहीं साडे वास्ते ते देवता गुरु आ। डेढ़ महीना हो गया ढिड भर के सोने सिर्फ एक इन्हां दे ते ठीक है जी इधर देखो जिन्हां ने नीले कार्ड नहीं बने उन्हां ने भी ते देने चाहिदे ना एक मिनट बलकार जो कहवां सर की मुश्किल आ रही है अज दे चाल सर मुश्किल ऐही है साडे साडी गली दे विच वी इन्ने लोकी गरीब रहिंदे आ साडे मौजूदा कौंसलर नूं कोई ने पुछिया कुछ नहीं अपने जे सरकार वालों भी राशन आंदा अपने को भी बंटदे पे अज 44 दिन हो गए सेवा करते पे हम जो वायरस फैलिया फिर भी आ गए लोगों के खिलोंदे गल सुनते पे ये बारे की कहना चाहते तो बारे की कहना चाहते सर उन्होंने घर इन्होंने डॉक्टर साहब घर जाकर तो रात गल लगे होंगे लोगों की मदद वास्ते हर किसी की मदद करते जिन्ना को उन्होंने को करते पे तो उन्होंने को जाओ उन्होंने कोई मदद नहीं मिलती पी उन्होंने साढ़े महल जाके किसी पुछा भी नहीं कि ते महल कोई बंदा कहा गरीब की रोटी चाहिए या कुछ दस कोई आगे पुछा ही तो कहीं वोटा लैन वास्ते आ जाते पर जो कोई लौट पैंती और कोई आता नहीं साढ़े को
अज लोगों ने गल करा कि इन्होंने कन्न मिलनी भी कि नहीं मिलनी भी पर्ची मिलनी भी मगर इन भीड़ लाना फैलना जे सरकार भी कहती है लोगों को घर घर बैठो कि घर घर तुम कन्न पहुँचाई जाएगी मगर इतने कि देखो रश पाया है हूँ इन्हों का गल करा लंगर लाने आम पब्लिक ठीक आई तगड़े लोग माड़े की मुहैला कर बाकी गवर्नमेंट वालों अजे तक कुछ नहीं है अच्छा हम जी जी सेवा कर रहे तीन रात कर रहे जिमें अपने को किन्ने क्विंटल आटा ही बन चुके किटा बन चुके सरकार वाला सरकार वाला बन चुके इस बारे की कहना चाहते हो जे अपने को मेरी लख लख अच्छा हाँ जी तुम झुड़ में मार दे गया सिंह जी तुम राशन पानी दे रहे हाँ जी मैडम खुद सद के आप राशन होंगे तो दसिया है कि राशन आया तो आके लैके जाओ डॉक्टर साहब ने उस दिन भी दवाइया आई हैं सारे घर मैसेज भेज के दवाइया वंडिया है फ्री सैनीटाइजर वंडे है बहुत मदद कर रहे हैं जिन्होंने जो चीज़ की जरूरत है मैडम होनी सद के आप अपने को मदद करते पे देखो सरकार वालों जो राशन पानी आता सारा देंगे कोई अपने को भी बनते हैं किन्ने क्विंटल आटा भी बन चुके हुए मगर उन्होंने बारे भी की मैसेज दोगे कि मैडम मजदूर है रक्षा बंदे कुछ भी है उन्होंने घर घर जाके पर्चियां समान भी दे के आया उन्होंने धन्यवाद करना चाहोगे अब लोगों गल करा कि इन्होंने कन्न मिलनी भी कि नहीं मिलनी पर्ची मिलनी भी मगर इन भीड़ लाना फैलना जे सरकार भी कहती है लोगों को घर घर बैठो कि घर घर तुम कन्न पहुँचाई जाएगी मगर इतने कि देखो रश पाया है हूँ इन्ह का गल करा पब्लिक क्यों नहीं समझी पब्लिक क्यों नहीं समझी बी
डॉक्टर राजकुमार वेरका जी का, ठीक है, उन्होंने पब्लिक लिए जो जो काम भी कर रहे, मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। और मैं डॉक्टर अनूप जी का भी, जेडे कि वह भी बीमार होने के बावजूद लोगों के बीच विचर रहे हैं, लोगों का हाल पूछ रहे, लोगों को सुविधा दे रहे कि मेरी वार्ड कोई भी भुखा नाश हो, जिस किसी किसी चीज़ की जरूरत है, राशन की जरूरत है, मेडिसन की जरूरत है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो मैं आके दस असी वो भी सेवा उन्होंने कर लोगों की। पॉलिटिशियन है ना सीट ये थैंकलैस हैगी, तुसी जिदा मर्जी जिदा काम मर्जी कर दो लेकिन तुहानू कदी अच्छाई नहीं देंगे। रात दिन तुसी देख लो साडे डॉक्टर, मेरे इन्नी वड्डी मिस हैपनिंग हुई, मेरा रियल ब्रदर की डैथ हुई है बिल्कुल, और मैं रियल ब्रदर की डैथ होने के बावजूद हाले 7-8 दिन होए हैं, उस तो बाद भी मैं उन्होंने छड़ के तो मैं पब्लिक के राशन दे रहा और अपना घर बिल्कुल खुला रब कह दसो लोगों इन्ना नहीं पता लगता कि आप एक इन्ना दुखी हो परिवार का जी चल जाए फिर काम कर रहा। हाँ मैं देखो जिस दिन उनका संस्कार सी, संस्कार तो बाद आके फिर मैं इतने किटा वंड रहा सी कि लोग ये ना समझन कि लॉक लगा के पता नहीं कितने चले गए जी सानू राशन नहीं, लेकिन डेथ तो बाद भी मैं उत्थे सी और इतने घर खुला छड्डिया सी आके फिर कंटिन्यू राशन वंड रहे हैं, इस तो वड्डी तो कोई चीज नहीं हो सकती। हुण तो सिर्फ यही है कि फिर इन्हां नू सीना चीर के दिखा दिए कि ताडे लई साडे लई तुसी अपना माफी लग दे लोकां ने फिर नहीं कहणागा सानू कुछ मिलिया। हां ये तेरी रोड देखी है 48 लाख रुपया ला के उत्थे वड्डा सीवर पाया सी और रोडा बनाईया, यानी कि डिवेलपमेंट वालों किसी चीज़ की मैं कसर नहीं सी छोड़ी, वो सारा डॉक्टर साहब साडे राजकुमार वेरका जी है जिन्हों को असी धड़ाधड़ फंड लैके आए और लगाते गए। हूँ लोगों को महसूस होया कि असी गलती कर बैठे हैं कि इन्ने अच्छे काउंसलर सी रात दिन असी जाने असी मिलते, सब तो वड्डी जिहड़ी चीज़ है ना लोगों बेटे भी बड़ी सेवा की है, 5 साल उन्हें देखो बड़ी सेवा की सेवा की 97 च मैडम ने सब तो पहले इलेक्शन साडी सारी फैमिली पॉलिटिशियन च है, मैडम सन पहले फिर भावना आ गई, भावना ने बड़ी सेवा की, भावना कंटिन्यू क्योंकि सारे क्वालीफाइड सारा परिवार, और सब तो वड्डी चीज़ है साडे फादर साहब जिहड़े आर्मी ऑफिसर उन्होंने देश की सेवा की दिमाग च बैठा होया जिदे नाल असी अज लगे हां। देखो असी रात दिन अज असी सवेर दे 6 बजे दे कणक और दालां जिहड़ियां लोकां नूं दे रहे हां, कल फिर जिहड़ा दूसरा राशन आया ना जिन्हां दे बीपीएल कार्ड नहीं है और जिन्हें बीपीएल कार्ड नहीं है कल असी उन्होंने दूजा राशन देना शुरू कर देना, किटा वगैरह जो आटा और दाल जो तेल है ये उन्होंने देना शुरू करना, इसलिए दोनों ही बैलेंस जोड़े है साढ़े बराबर रहेंगे, बीपीएल वाले भी राशन मिलता जाएगा और जिन्हें बीपीएल कार्ड नहीं है उन्होंने भी असी राशन देंदे जाना साढ़ा दोनों बराबर। और जिदा भी जिन्हें भी लोग है ना देखो हूँ इन्नी वड्डी आबादी है, अगर तुसी घर ही बैठे रहोगे कोई आके मिलूगा नहीं उन्हूं कितों पता लगेगा, हमेशा घर आके कोई प्रॉब्लम दसे उहदी हल हुंदी है, घर बैठ के किसी की प्रॉब्लम हल नहीं हुंदी। असी भी जदों देखो MLA साहबान को लैन जाना हुंदा असी 10 चक्कर लाने उन्हां कोल जाके बैठदे आ, डॉक्टर साहब साडी इह प्रॉब्लम है लिस्ट देईदी आ इह चीज़ां चाहीदियां फिर सानूं प्रोवाइड हुंदियां, हुण मैं घर बैठा रहां ते डॉक्टर साहब ने उन्हां नूं थोड़ा पता कि मैनूं किस चीज़ की जरूरत आ, ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਰੀਕੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਕੁਛ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 24 ਘੰਟੇ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ 2 ਕਾਉਂਸਲਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 3-3 ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਫਿਸ 'ਚ, ਮੈਂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠਾਂਗਾ ਮੈਡਮ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਡਮ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਬੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 3-3 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਿਲੇ ਆ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 8 ਵਜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 12 ਵਜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਤੋਂ 12 ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।